क्या आप जानते हैं उस्मानिया संतलत मानव इतिहास की सबसे बड़ी संतलत मानी जाती है। खिलाफत उस्मानिया की न्यू काई कबीले के सरदार उस्मान ने रखी थी, जो कि काई कबीले के राजा और तुगरुल गाजी का बेटा था। खिलाफत उस्मानिया ने मात्र 100 साल के अंदर आधी दुनिया को फतेह कर लिया था। खिलाफत उस्मानिया इतनी बड़ी थी कि जब यहूदी और ईसाइयों ने मिलकर इसके टुकड़े किए तो इसमें 42 नए देशों का निर्माण हुआ। खिलाफत उस्मानिया जॉर्डन से लेकर इटली, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। आपको ये बात जानकर हैरान होगी कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। सुल्तान सलीम ने भारत में टीपू सुल्तान को अपने सिक्के चलाने की इजाज़त दी थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि खिलाफत उस्मानिया का खुद का बैंक था। 1863 में उस्मानियों ने उस्मान एम्पीरियल बैंक की स्थापना की थी। 17वीं सदी में दुनिया की आधी दौलत खिलाफत उस्मानिया के पास थी, जिससे रूस, जापान और अमेरिका जैसे देश कर्जा लेते थे। दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी आबादी उस्मानिया संतलत का हिस्सा थी। संतलत उस्मानिया ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और मदरसों की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खिलाफत उस्मानिया की हर मस्जिद और मदरसे में लाइब्रेरी थी। उस्मानियों ने अल अख्यान नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। अल अख्यान अमीर लोगों की एक जमात थी, जिसमें पैसा दान करके गरीबों की मदद की जाती थी। इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम ने ही दुनिया में पहली जानिसारी फ़ौज की स्थापना की थी। ये सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। यहीं से दुनिया में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा चालू हुई। उस्मानियों ने लगभग 500 से ज़्यादा जंगें लड़ी और लगभग सभी में फतह हासिल हुई। उस्मानियों में लड़ने का इतना जज्बा था कि बाइजेंटिन साम्राज्य के सबसे ताकतवर शहर कस्तुनतुनिया को 7वें सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने मात्र 21 साल की उम्र में फतह कर लिया था। खिलाफत उस्मानिया में मुसलमान पूरी तरह महफूज थे। समुद्र में लड़ने वाला जंगी बेड़ा सबसे पहले उस्मानियों ने ही बनाया था। समुद्री जहाज पर तोप सबसे पहले उस्मानियों ने ही बनाई थी। उस्मानियों के जंगी बेड़े भूमध्य सागर की रक्षा करते थे। 17वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया में प्रति व्यक्ति आय रूस और अमेरिका से भी ज़्यादा थी। खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। स्टीम टर्बाइन की खोज उस्मानी वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की थी। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक सरफुद्दीन ने बनाया था। लकड़ी से हाथ पैर जोड़ने की जिस तकनीक का उपयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है, इसको भी सरफुद्दीन ने ही बनाया था। जिस चिमटी और स्केल का प्रयोग डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान करते हैं, ये भी उस्मानियों की देन है। चाय की खोज करने वाला खालिद भी एक तुर्क मुसलमान था। लगभग 600 साल आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को ऐसी तकनीक से नवाजा, जिसमें पूरी दुनिया ने आधुनिक क्रांति की ओर कदम रख दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस्मानियों के जंगी बेड़े हिंद महासागर की भी रक्षा करते थे। जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े हुए तो भारत के मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मौलाना जौहर अली और मौलाना शौकत अली ने इस संतलत को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसमें भारत के हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था।